वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब हम जा रहे हैं ड्रैगन माउंटेन। इसकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट है 200 मीटर और मॉडरेट क्लाइंब है। एक्सपीरियंस करना है स्टनिंग विस्टास, उनके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ हमारे गाइड बता रहे हैं कि 500 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेगी आपको। यदि आप स्ट्रांग नहीं हैं तो दाईं तरफ चले जाइए, यदि आप स्ट्रांग हैं तो बाईं तरफ जाइए, यदि आप एक्सपर्ट हैं तो दोनों साइड जाके घूम के आइए। रास्ते में काफी सारी जगह मिलेंगी आपको फोटो खींचने के लिए। एनर्जी रहेगी थोड़ी ना अभी नहीं। There's 1 minute time for you. Yeah. He said, yeah. 15 minutes for other, 1 minute for you. Let's go. Wow. Oh yeah. Nice. When did you change your clothes? When we went for that boat ride. So 2 hours, like you know, riding the boat. Yeah. All sweat. So we started changing. Yeah. अंदर कमरे के खेत है पूरे और लोग जगह फोटो खींच रहे लोटस लेक। बहुत सारे लोटस है यहाँ पे और वो ऊपर जाना है 500 स्टेप्स है। यहीं तक पहुंचे ऑस्ट्रेलियंस, फिर वॉशरूम भागे। जाना तेरे को? चलो फिर। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है और जा रहे हैं हम अभी ऊपर। यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, जो थक जाए और राइट पकड़ के जा सकता है, और जो हमारी तरह इंडियन स्ट्रांग है वो यहाँ जाएंगे। तो आधे रास्ते पहुँचने के बाद ऐसा कुछ है नज़ारा, और नीचे आप माउ केव्स की रिवर्स देख सकते हैं। थोड़ी दूर और मेहनत करके यहाँ तक आ गए। ये सनसेट देखने मिलता है यहाँ आगे। और पीछे लेडी बुद्धा का स्टैचू। एक ड्रैगन की मूर्ति है जिसे देख कर लोग जानते हैं कि ये क्लाइम कर रहे हैं। एरियल व्यू से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ ड्रैगन के। साइड में खाई है और एकदम एज पे खड़े हैं हम बिना सपोर्ट के। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। कहाँ से उतर रहे हो? लगता है बहन जी गलत ट्रेन में चढ़ गई, उतर रही हैं अब वन साइड ट्रैफिक में।
पीछे पीछे भाई साहब भी आ गए। कैसे खतरनाक रास्ता है, ये क्या है, गाइड करने के लिए वो भी है। आयो ये रास्ता है, अच्छा ड्रैगन का मुंह है, लाइन लगा के स्ट्रगल करके जब हम चोटी पे पहुंचे तो ये ड्रैगन की मूर्ति हमें दिखाई दी और ये बहुत लंबी मूर्ति है और बेहतरीन नज़ारा दिखता है यहाँ से, लेकिन सेफ्टी की कोई जगह नहीं है। जैसे तैसे हम उतर गए यहाँ से, उतरते समय लगा थोड़ी आसानी है, लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं पत्थर की ये भी बीच बीच में टूटी हुई है और भीड़ भाड़ के समय यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ड्रैगन माउंटेन की हिस्ट्री में यदि हम जाएंगे तो एंशिएंट टाइम्स में ये मिलिट्री का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था त्रिन लॉर्ड्स द्वारा 16 और 17वीं सदी में। रेड रिवर डेल्टा का नज़ारा देखते ही बनता है यहाँ से। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं निनबिन उनके लिए जन्नत है। लोग ड्रैगन माउंटेन सनसेट देखने आते हैं तो शाम के समय यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है सनसेट के टाइम। संभल संभल के नीचे उतरते हैं, देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा। यहाँ हाइकिंग करके आप नेचर के और करीब आ जाते हैं। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था ये। काफ़ी टूरिस्ट हनोई से हेलोंग बे चले जाते हैं लेकिन निनबिन नहीं आते। ये एक मस्ट डू चीज़ है, ज़रूर अपने टू डू लिस्ट में ऐड करके रखें। यह है वियतनाम का फ्लैग और हम अब जा रहे हैं नीचे। उतरते समय इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती जितनी चढ़ते समय हालत ख़राब हुई हमारी। अप्रैल से लेकर जून महीने तक यहाँ काफ़ी रश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।